बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सेहत का खजाना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदेमंद आलू बुखारे का फ्रेश जूस। आलू बुखारे का फ्रेश जूस बनाने के लिए मेरे पास आलू बुखारा है, थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक डालूंगी, अगर चाहे तो चीनी डालूंगा, मैं थोड़ी सी डालूंगी, आप ना चाहे तो ना डालूँ। सबसे पहले क्या करूँगी, ये आलू बुखारे को लूँगी और इसका मैं छिलका उतारती हूँ। छुरी के साथ इसको आप काट लें, इसका छिलका उतार लें, अगर कुछ छिलका रह भी जाए तो कोई बात है, बस इसकी गुठली निकाल लें ताकि ना इसका इस तरह से। इसका मैंने छिलका उतार के इस तरह गूंथा प्लेट पे डाल, इस तरह मैं सारा बना लू। इसको मैं छिलके के समेत बना देती हूँ। आलू बुखारे में से मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं, कुछ छिलके उतार लें, कुछ छिलके में बहुत ज़्यादा नरम थे इसे मैं उसको नहीं उतार। इसमें दायरा पानी रही, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और फ्रेश जूस। इसके अंदर डालेंगे हम एक गिलास पानी और इसके अंदर डालेंगे सिर्फ एक चम्मच चीनी। इसके अंदर मैंने एक चम्मच चीनी डाली है और क्वार्टर टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक। देखिए इसके अंदर डाल दिया। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, मैंने बस इसके अंदर डाली है फिर टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं डाली, बहुत कम डाली। इसको छानी में डाल के पूरे छिलके हो गए तो वो सारे एक साइड पे हो जाएंगे और जूस जो है वो एक साइड पे हो जाएगा, पीने में आसानी होगी। इस तरह इसको मैंने अच्छी तरह छानी से छान लिया। अब मैं इसको इस जार के अंदर शामिल करती हूँ, फिर मैं इसको गिलासों में डालू। अब मैं गिलासों में बर्फ डालूंगी। अब जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी फ्रेश आलू बुखारे का जूस तैयार है। आप भी बताइए, बड़े मज़े से पिए। अल्लाह हाफिज़।